आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के शमशाबाद विधानसभा का आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दौरा किया और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की, साथ ही मंडल सेक्टर की बैठक लेकर संगठन की मजबूती की चर्चा की। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर नेताओं की बैठक भी ली। इस दौरान महानीम चौहान स्थित रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर लाडली बहना योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को चुनाव आते ही बहनों की याद आने लगी है, ये चुनावी स्टंट है। इनकी सरकार ने कौन से वादे पूरे किए हैं, अब चुनाव नतीजे आ रहे हैं तो बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ देने की बात कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक पर विधायक कार्यकाल में जमकर लूट मचाने, भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाकर चार्जशीट तैयार करने की बात कही है। शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की, वहीं कांग्रेस का भी ये दावा है कि हमारी सरकार बनी तो हम 1500 देंगे, तो इस योजना का 2023 में क्या इफेक्ट होगा? भाजपा की सरकार 2003 में आई और ये 2023 है, अगर वो 15 महीने छोड़ दें जहाँ कांग्रेस सरकार रही तो 18.5 साल में बहना की याद नहीं आई शिवराज सिंह जी को। ये केवल चुनावी स्टंट है और अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, लोगों के हाथ पांव जोड़ रहे हैं, घुटने टेक कर प्रार्थना हो रही है बहना हमें दे दो, लेकिन बहना के पति जीजा जी के घर की तलाशी ली जा रही है, बिजली के बिल में उनके कुड़की चल रही है, ये केवल वादे हैं। इन्होंने कितने वादे किए हैं, कर्जा माफ़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कौन सा किया है, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और ये बहना की याद 18.5 साल बाद आई है, ये इस बात से साबित होता है कि इनका कोई लेना देना नहीं, केवल चुनावी स्टंट है। पुरानी पेंशन बहाली दिख रहा है लेकिन छोटे चुनाव में वो कहीं नहीं नजर आते, ऐसा क्यों? ऐसा कोई पार्टी बेसिस पे चुनाव होते नहीं है, वो चुनाव होते हैं निजी स्तर पर बिना पार्टी के, तो हमारी पार्टी के लोग लड़ते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 75% से ज़्यादा सरपंच डायरेक्ट जो चुनाव हुआ वहाँ कांग्रेस के लोग जीत के आए, फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं टेंडर वोट कहीं खरीद फरोख्त के अपने अध्यक्ष बना लिए उपाध्यक्ष बना लिए, लेकिन जनता ने वोट जब दिया तो कांग्रेस के पक्ष में दिया। अभी कुछ देर पहले आपने बोला कि शमशाबाद में विधायक कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में मैं हर विधानसभा सीट में सेक्टर मंडल के गठन की चर्चा कर रहा हूं, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको अपनी बात कहने का मौका दे रहे हैं। जितने भी हमारे कांग्रेस के सदस्य हैं उस विधानसभा क्षेत्र के, उन विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हम लोग राय मशवरा ले रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं। ये पूरी तरीके से हमारी तैयारी के लिए, होने वाले चुनाव की तैयारी के लिए हमारा ये प्रयास है। और इसमें कैसे हम लोगों के इस क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जीते उस पर हम राय मशवरा करेंगे। ये एक दूसरे की आलोचना, पार्टी के अंदर की आलोचना के लिए ये मीटिंग नहीं है, लेकिन कैसे हम लोग भाजपा को हरा सके और भाजपा की जो कारगुजारियां रही हैं और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी ने किस तरह से यहाँ को लूटा है जनता को और सरकार किस तरह से लूट रही है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर 2023 सरकार बनाने के लिए हमको चाहिए 116 और उससे ज़्यादा ही हमको मिलेंगे। 2023 में कांग्रेस के पास में मुख्यमंत्री का चेहरा युवा होगा या फिर हमारा एक ही चेहरा है कमलनाथ। केंद्र में 2024 में मोदी का विकल्प कांग्रेस क्या देखती है? व्यक्ति का ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में पार्टी जीतती है, व्यक्ति नहीं जीतता है। अभी हाल ही में देखा जा रहा है चाहे संत हो या कथावाचक संत हो, मेरा तो उनसे एक ही प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उनको भरोसा है कि नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो वो सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो संवैधानिक पदों पर इस्तीफा दें। कोक सिंह रघुवंशी की विदिशा मध्य प्रदेश से रिपोर्ट।